विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बुधवार को बस पड़ाव के पीछे सीआरपीएफ कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां सबसे पहले कमांडेंट कपिंग गिल द्वारा उपस्थित अधिकारियों जवानों को जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करने के लिए शपथ दिलाया गया। रक्तदान शिविर में कई अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीआरपीएफ कमांडेंट ने रक्तदान से होने वाले जीवन दान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्तियों को 3 माह के अंतराल में रक्तदान करना ही चाहिए। इससे हम दूसरों की जान को बचा सकते हैं और रक्तदान करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से काम करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी द्वारा किए गए रक्तदान किसी के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों की जान बचा सकती है। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव, नवीन विश्वकर्मा, सुबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत कई वाहनी के कई जवानों ने रक्तदान किया। 14/6/2023 को भारत सरकार के द्वारा ये ब्लड बैंक दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सीमित वाहिनी केंद्रीय म्युनिसिपल बिल्डिंग की हमारे द्वारा रक्तदान में लाल बिल्डिंग मेन ऑफिस में ये ब्लड बैंक का फॉर्मेशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जवानों को अच्छी तरीके से भाग लिया। हमने जवानों को आज प्लेज भी, जो ब्लड डोनेशन प्लेज है, शपथ है, वो भी ली है, जिससे कि हम अपने परिवार के लोगों को भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और हम सब लोग आगे से ज़्यादा जवान देने देंगे, जिससे कि हमारे और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और न किसी से लेना है, किसी धर्म जाति किसी भी तरीके के भेदभाव को कर हमारे जवान अच्छी तरीके से ब्लड बैंक डोनेट कर रहे हैं। और हम जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हमारे कई बच्चे हैं थैलीसीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित, उनका जिंदगी बचाया जा सकता है। हमारा एक ही मंत्र है भारत सरकार का, रक्तदान महादान, उस मंत्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी का जवान खुद इंटरेस्ट। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, सीआर मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी, नॉन एसी, केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी गिरिडीह।